हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सरप्राइज डेकोरेशन शेयर करने वाली हूँ। ये डेकोरेशन मैं अपने नेफ्यू के लिए रेडी कर रही हूँ। यूएस से आने वाला है वो, 7 डेज के लिए एक रूम में क्वारंटाइन रहेगा, इसीलिए उस रूम का डेकोरेशन मैं आज कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी रूम का हम डेकोरेशन करने वाले हैं। ये इसका बिफोर लुक है। सबसे पहले हमने बैलून्स को फुला के रेडी कर लिया है। ये इमोजी वाले बैलून्स हैं। सभी बैलून्स पे हमने डबल साइडेड टेप लगा ली है और इनको हम वॉल पे इस तरह से लगा देंगे। ये बैलून्स हमने अमेजोन से ऑर्डर किए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह से सभी बैलून्स को हम बेड हेड के ऊपर से लगाते हुए साइड टेबल तक नीचे तक लगा देंगे। यहाँ मिरर पे मैं कोटेशन लगा रही हूँ जो घर में सभी ने उसके लिए लिखी है, इधर कबर्ड के ऊपर भी। यहाँ रूम के डोर पे मैं एक वेलकम हैंगिंग लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। इसके बाद हम ये आगे वाले जो कर्टन है नेट के, इनके ऊपर सभी को इस तरह से इकट्ठा करके पिन से अटैच कर देंगे। दोनों साइड के कर्टन्स को हम इस तरह से अटैच कर देंगे। और इसी के साथ मैं यहाँ पे लाइट भी लगा रही हूँ। इससे इसका बहुत ही अच्छा लुक आएगा, क्योंकि लाइट से हर चीज़ बहुत ही जल्दी हाईलाइट हो जाती है। आप कोई भी डेकोरेशन करें उसमें लाइट का यूज़ ज़रूर करें। देखिए, अब यहाँ पर मैं ये एक टी लाइट होल्डर है, इसके अंदर टी लाइट रख के मैंने इसको यहाँ पर हैंग कर दिया है। इसके बाद मैं ये साइड टेबल पे कुछ डेकोरेशन आइटम रख रही हूँ। इसी साइड टेबल के पास में हमने एक ये ट्रे रखी है, बास्केट आप कुछ भी बोलें। और इसके अंदर मैंने ये देखिए एक प्लांट्स रखा है और कैंडल होल्डर, और ये कुछ स्टोन्स यहाँ पे रख दिए हैं। यहाँ साइड में अलमीरा के पास में मैंने एक स्टूल रखा है और उसके ऊपर ये प्लांट रख दिया है। और उसी के पास में देखिए मैंने ये एक ट्रे रखी है, इस पे हम कैंडल रख देंगे। और उसके आसपास में यहाँ फूलों से डेकोरेशन कर रही हूँ। इस साइड टेबल पे भी हमने कुछ स्टोन्स रख दिए हैं और यहाँ पर हम कैंडल्स रख देंगे। और जहाँ भी हमने ये बैलून्स लगाए थे उसके पास पास अब ये कुछ लाइट्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं। बेड पर हमने वाइट बेडशीट लगाई है, जिससे कि उस पर कलरफुल कुशंस रखने से बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। और इस पर हम साइड में ये जो बेड रनर होता है उसकी जगह मैंने यहाँ दुपट्टा यूज़ किया है कलरफुल वाला। देखिए ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि वेलकम के लिए बनाए हैं मेरी बेटी ने, उसी को मैं यहाँ एंट्रेंस पर लगाने वाली हूँ। हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है और उसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं।
जिसके लिए हमने ये सारा डेकोरेशन रेडी किया था वो अब आ गया है। देखते हैं उसका रिएक्शन। ये इस रूम का लाइट्स ऑफ करने के बाद का लुक है। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।